हेलो एंड वेलकम एवरीवन। आई होप दिस मैसेज फाइंड्स यू फिट एंड फाइन। हमारे प्रेजेंट और फ्यूचर को बेहतर बनाने के लिए हमारी देश की विदेश नीति बहुत ही अहम रोल प्ले करती है। आप शोशंक सीरीज को फॉलो कर रहे हैं तो इतनी समझ आपकी बनने लग गई होगी। आज की कड़ी में हमें बात करनी है वेस्ट एशियन क्राइसिस पर और कैसे भारत की विदेश नीति को इन क्राइसिस ने प्रभावित किया है। सबसे पहले नाम पर आते हैं, वेस्ट एशिया। देखिए, एशिया रीजन है तो इसके वेस्ट में रीजन पड़ता है, तो इस वजह से हम इसको वेस्ट एशिया बोलते हैं। इसके अदर नेम भी हैं जैसे गल्फ रीजन, खाड़ी देश, क्योंकि गल्फ ज्योग्राफिकल फीचर है जहां पर ये रीजन एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा इसी रीजन को हम मिडिल ईस्ट भी बोलते हैं। मिडिल ईस्ट क्यों? क्योंकि यूएस के हिसाब से और वेस्टर्न नेशंस के हिसाब से ये उनका ईस्ट हुआ, और ईस्ट के मिडिल में जो होगा वो मिडिल ईस्ट होगा। अब ये तो बात हुई नाम की, अब बात करते हैं काम की, हमारे काम की। इंडिया के लिए ये रीजन क्यों इंपॉर्टेंट है? सबसे पहले तो एनर्जी, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, तो हमारी अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, और इस वजह से इनके साथ समीकरण हमें अच्छा रखना होगा। और अगर यहां पर इनस्टेबिलिटी होती है तो यानी कि हमारी एनर्जी सिक्योरिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट? इसके अलावा रेमिटेंस। रेमिटेंस का मतलब होता है जो भारतीय इन खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं वो अपने घर पर पैसा भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं? भेजते हैं। तो ऐसे में हमारे देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में इजाफा करने में भी ये रीजन इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिलीजन, क्योंकि मुस्लिम बहुल क्षेत्र है और इंडिया में भी मुस्लिम पॉपुलेशन है, इस वजह से इस अलाइनमेंट के हिसाब से भी रीजन इंपॉर्टेंट है, स्पेशली सऊदी अरब में मक्का मदीना, राइट? इसके बाद ट्रेड। पिछले कुछ समय में देखा गया है कि रीजन अपने ट्रेड एस्पेक्ट्स को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है, यानी कि रीजन फॉसिल फ्यूल्स पर अपनी डिपेंडेंस को अब नहीं लेकर चलना चाहता। तो ऐसे में इंडिया भी अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाह रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, तो इस हिसाब से ये रीजन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा स्ट्रेटेजिक, यानी कि इनके जो दोस्त हैं वो हमारे भी दोस्त हैं, तो वो चाहते हैं कि उनका स्टैंड और हमारा स्टैंड इस रीजन के लिए एक जैसा हो। यानी कि मैं आपको हिंट दे रहा हूं, सऊदी अरब, इजराइल, ईरान, इन देशों की दोस्ती यूएस से, यूएस की इंडिया से, और यूएस का चाहना कि इंडिया अपनी स्ट्रेटजी को उसके साथ अलाइन करे। क्या है ये समीकरण, हम जानेंगे। सबसे पहले तो जब मैं वेस्ट एशियन क्राइसिस शब्द का यूज कर रहा हूं तो इसका मतलब है इस रीजन में इनस्टेबिलिटी। यहां पर आपका पैलेस्टाइन रीजन यानी कि इजराइल पैलेस्टाइन कंफ्लिक्ट, ईरान में अनस्टेबिलिटी, और ईरान की अदर नेशन से जो समीकरण बिगड़ने वाली बात है उसको हम बात कर रहे हैं, सऊदी अरब, कतर, इराक। तो यानी कि मिडल ईस्ट में अपने आपस में ही समीकरण बिगड़े हुए हैं, यानी कि आपस में ही क्राइसिस है, आपस में कंफ्लिक्चुअल रिलेशन है। तो अगर ये रीजन आपस में कंफ्लिक्चुअल रिलेशन रखेगा, अनस्टेबिलिटी रखेगा, तो इस वजह से ग्लोबल सप्लाई ऑफ एनर्जी वो कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, राइट? अच्छा, इसमें एक और बड़ा इंपॉर्टेंट हमें एनालिसिस समझ में आता है कि दुनिया के किसी भी कोने में अगर क्राइसिस चल रही हैं तो हमें केवल ये नहीं समझना चाहिए कि वो क्राइसिस क्या हैं, हमें ये भी जानना चाहिए कि उन क्राइसिस के बने रहने से फ़ायदा कौन ले रहा है। अगर मिडिल ईस्ट अनस्टेबल रहता है तो ऐसा तो नहीं है कि पिछले कुछ समय में यूएस ने अपने आप को नेट एक्सपोर्टर बना लिया है शेल गैस का, इवन ऑयल इज बीइंग एक्सपोर्टेड बाय यूएस। तो कहीं ऐसा तो नहीं है इस अनस्टेबिलिटी को बनाए रखने में यूएस का फायदा है? खैर, इस पूरे इशू को आपको आसानी से समझाने के लिए मैंने इसको 5 हेड्स में डिवाइड किया है। सबसे पहले आता है इजराइल पैलेस्टाइन इशू, उसके बाद सऊदी अरब और ईरान की राइवलरी, इसके बाद कतर क्राइसिस, यूएसए एंड रशिया का इंटरफेरेंस इन दिस रीजन, और यूएसए ईरान का इशू। पांचों ही हेड्स इंपॉर्टेंट है। आज हम सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं ईरान पैलेस्टाइन के इशू पर, ईरान पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट। अब इस कॉन्फ्लिक्ट को अगर मैं एक लाइन में आपको बताऊं कि मुद्दा है क्या, मुद्दा यह है कि इस टेरिटरी को कौन कंट्रोल करेगा। पैलेस्टाइन फलस्तीनी पॉपुलेशन, उसका मानना है कि रीजन उनका है, और ऐसे में इजराइल जो देश बाद में बना उसमें रहने वाले बहुतायत लोग, मेजोरिटी लोग, ज्यूज, उनको यहां से जाना चाहिए। जबकि इजराइल का कहना है
कि नहीं ये तो हमारा लैंड है, क्योंकि हमारे तो अगर रिलीजन में बात करें तो उनके हिसाब से ये ऑरिजिन पॉइंट था ज्यूस पॉपुलेशन का, तो दे हैव दिस राइट। अब ये तो बहुत सिंपल वे में बात करने वाली बात हो गई, लेकिन अब हमें थोड़ा इसकी लेयर्स को पकड़ना पड़ेगा। तो इसके रूट्स को पकड़ते हैं 14th सेंचुरी के ऑटोमन एम्पायर से। ऑटोमन एम्पायर ये एक ट्रांस कॉन्टिनेंटल एम्पायर था। इस ट्रांस कॉन्टिनेंटल का मतलब होता है कि इसका जो राज था वो एक से ज़्यादा कॉन्टिनेंट में था। एक समय पर ये ओटोमन एम्पायर ये आपका आज का जो मिडिल ईस्ट है उस पर तो राज कर ही रहा था, साथ साथ में नदर्न अफ्रीका और साउथ ईस्ट यूरोप, इन तीनों रीजन पर राज था इस ओटोमन एम्पायर का। अब इससे इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट का क्या लेना देना? लेना देना ये है कि एक टाइम पर तो स्ट्रांग था, इन्फ्लुएंशियल था, डोमिनेंट था, लेकिन 18th सेंचुरी में इसी रीजन का डिसइंटीग्रेशन होने लगा। यही ओटोमन एम्पायर टूटने लगा। और जब एक बड़ा एम्पायर टूटता है तो अब जो जगह जगह जो पार्ट्स हैं तो वहां पर एक अलग से पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आ जाती है। अब वहां पर किस तरह का राज हो, किस आइडेंटिटी के बेसिस पर लोगों को एक साथ बांध कर रखा जाए, ये मेजर क्राइसिस देखा जाता है। तो ऐसे में ओटोमन एम्पायर ने कनेक्ट तो किया, लेकिन इसके बाद इस क्राइसिस से निकली नेशनलिज्म की मूवमेंट। यानी कि जब मैं अरब बात कर रहा हूं तो अरब में कई लोग आप में से समझते होंगे अच्छा मुस्लिम देश है, तो यानी कि एक जैसा नहीं। अब अरब रीजन में भी डिफरेंट एथनिसिटीज को देखते हैं, डिफरेंट कल्चर को देखते हैं, तो इस आधार पर दौड़ लगने लगी कि भाई हमारा कल्चर अलग तो हमारा नेशन अलग। तो सऊदी कहेंगे कि भाई हम सऊदी अरब बनाएंगे, उधर ईरानी जहां पर कभी पर्शिया होता था वो कहेंगे नहीं भाई हमारा कल्चर, हमारा रहन सहन, हमारी भाषा तो सऊदी लोगों से अलग है तो हम अपना राष्ट्र बनाएंगे। तो आप कहेंगे इसमें दिक्कत क्या है? देखिए दिक्कत यह है कि नेशंस ऐसे ही कार्व आउट नहीं होते। ये बाउंड्रीज बनेंगी कैसे? ये बाउंड्रीज बनती हैं उसके बाद जंग से। तो जैसे ये फॉल हुआ इसके बाद फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नियर बाई रीजन हैपेंड, तो वहां पर फिर उसके बाद होने लगे नेशनलिज्म की भावना के आधार पर होने वाले वॉर्स कि अब इस एरिया को हम अपने कंट्रोल में रहेंगे। तो टसल स्टार्ट हो गया, एस्केलेशन हुआ टेंशन का यूरोप में भी और गल्फ में भी। अब आप कहेंगे कि सर इसराइल और पैलेस्टाइन ये तो गल्फ की बात है ना, ये तो चलिए इस अरब पेनिनसुला की आप बात करिए, आप इसमें यूरोप को क्यों लेकर आ रहे हैं? देखिए क्योंकि ऑटोमन एम्पायर का कनेक्ट तो यूरोप से था, राइट? और क्योंकि कनेक्ट था तो आपको ही लगता कि जो मार्केट्स हैं आपस में ट्रेड करती आ रही होंगी, राइट? व्यापार के जो जरिए हैं वो ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड होंगे, तो ऐसे में आपके वॉर तो बन गए। लेकिन अब जो वहां पर व्यापार है जो ऑलरेडी यहां से लिंक्ड है तो वो चाहेगा कि भाई हमारे लिंक ऑलरेडी यहां पर बने रहे। तो ऐसे में हमने देखा कि वो नेशंस की बाउंड्रीज तो ड्रॉ होने लगी, मूवमेंट चलने लगी। हमारा जो फोकस का एरिया अभी पैलेस्टाइन है, पैलेस्टाइन में इस टाइम पर क्या हो रहा था जरा ध्यान से सुन लीजिए। अरब नेशनैलिटीज डेवलप हो गई थी और आज जहां पर आप पैलेस्टाइन और इसराइल देखते हैं उसको लेकर कुछ रेडिकल आउटफिट्स ने अपनी मूवमेंट चलाई। उनमें से कुछ रेडिकल आउटफिट्स आज के इसराइल पैलेस्टाइन के भी नहीं थे, जैसे डेमस्कस जहां पर सीरिया है, सीरिया की कैपिटल डेमस्कस, वहां से उपजे कुछ रेडिकल आउटफिट्स। वो चाहते थे कि यहां पर एक अलग से राष्ट्र हो। कुछ लोग सीरिया के साथ उसको मिलाना चाहते थे, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं फलिस्तीन अलग है तो इनके लिए अलग से राष्ट्र हो। अब इसी पशोपेश में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, इस रीजन की लोकेशन की वजह से, क्योंकि ये रीजन मेडिटेरियन के जस्ट नीचे, मेडिटेरियन के जस्ट साइड में, राइट? तो ऐसे में जो यूरोपियन देश हैं वो चाहते थे कि भाई इस पर हमारा कंट्रोल बना रहे। हम 18th सेंचुरी की बात कर रहे हैं, डिसइंटीग्रेशन होता है ओटोमन एम्पायर का, लेकिन इसी समय पर यूरोप में क्या हो रहा था? यूरोप में जो ये इंपीरियलिज्म था ये अपने ऊंचाव पर था। यू कैन से दैट इट वॉज इंक्रीजिंग। स्पैनिश, दीज ब्रिटिशर्स, तो ये चाहते थे कि भाई हमारे व्यापार के अगर रास्ते मेडिटेरियन से हैं और मेडिटेरियन से जुड़ी हुई ये सरहदें हैं तो यहाँ पर हमारा से रहना चाहिए। इसी वजह से जहाँ पर आप इसराइल पैलेस्टाइन देखते हैं, यहाँ पर लेट 18th सेंचुरी में हमने देखा कि इन कॉलोनियल पावर्स ने अपना दबदबा बना लिया। अब जैसे इसराइल पैलेस्टाइन, यहाँ पर ब्रिटिशर्स ने इसको अपना एरिया बना लिया, अपनी कॉलोनीज वहाँ पर एस्टेब्लिश कर दी। अब उस टाइम पर यहाँ पर जो पॉपुलेशन थी वो क्या थी? यहाँ पर ज्यूज भी थे और यहाँ पर पैलेस्टीनियंस यानी कि फलस्तीनी भी थे।
अगर आप पूछें कि सर ज्यादा संख्या में कौन थे, ज्यादा संख्या में फलिस्तीनी थे, पैलेस्टाइन्स थे, पैलेस्टीनियन थे, ज्यूज भी थे, लेकिन ज्यूज इसके अलावा यूरोप के अलग अलग देशों में भी थे, लेकिन यूरोप में जहां पर भी ज्यूज थे वो माइनॉरिटी में थे और संगठित नहीं थे। और आपको एक बात तो पता होगी कि संगठन में शक्ति होती है, और खासकर अगर आप किसी देश में माइनॉरिटी में हैं, अगर हम इस टाइम की बात कर रहे हैं जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का टाइम है, तो उस टाइम पर पॉलिटिकल कैंपेन चलेंगी, नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा, तो उस टाइम पर देखा गया कि ज्यूज का प्रोसिक्यूशन स्टार्ट हो गया, जैसे कि यहां पर आपको हिटलर दिख रहे होंगे। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जब हार हुई जर्मनी की और ट्रीटी ऑफ वर्सेल्स हुई, तो उसके बाद हिटलर को अब अपनी ताकत को बढ़ाना था। हिटलर एक आम सोल्जर, लेकिन वाज हैविंग अ वेरी श्यूड माइंडसेट। उन्होंने कहा कि जर्मनी इस वजह से हारा कि जर्मनी कमजोर है। लोगों ने कहा इसमें कौन सी नई बात बता दी आपने। हिटलर कह रहे हैं जरा सुनिए तो सही, कमजोर क्यों है? कमजोर इस वजह से है क्योंकि इंप्योरिटी है। लोगों ने कहा इंप्योरिटी क्या? इंप्योरिटी है ये ज्यूज, ये ज्यूज यहां पर भी हैं, वेस्टर्न नेशंस में भी हैं, उनके पास, जिन्होंने हमें हराया है। लेकिन अगर जर्मन रेस की बात करें, जर्मन पॉपुलेशन की बात करें, हम प्योर हैं, हम इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये लॉजिक तो बड़ा पकड़ में आ गया। उसी टाइम से थोड़ा सा पहले एक विचारक थे गोबिन्यू, उन्होंने एक बात कही कि देखिए सभी व्यक्ति एक जैसे नहीं होते, यानी कि कुछ लोग सुपीरियर क्वालिटी के होते हैं, सुपीरियर ब्रीड होते हैं, कुछ इन्फीरियर ब्रीड होते हैं। मुझे बताइए आप में से कितने लोग इस बात को मानते हैं, क्योंकि हिटलर इस बात को मानते थे। और मैं आपको बता दूं, आप केवल इस वजह से इस बात से इनकार मत कीजिएगा कि हिटलर ऐसा कह रहे थे, आप अपना पर्सनल ओपिनियन बताइए। आपको लगता है कि लोगों में सुपीरियर इन्फीरियर ब्रीड होती है? आप में से कुछ लोग कहेंगे सर नहीं, वी बिलीव इन इक्वालिटी, दैट्स गुड। लेकिन ये इतने सारे लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे थे ज्यूस को खत्म करने के लिए? कुछ तो टैलेंट दिखा रहे होंगे। अब इनका लॉजिक देखिए, अब इनका लॉजिक मैं आप पर अप्लाई कर रहा हूं, आपसे कुछ सवाल पूछ रहा हूं। मुझे बताइए कि जैसे अगर आपको कोई प्लांट्स लगाने हैं, ठीक है, तो एक ही कैटेगरी है, फॉर एग्जाम्पल प्लांट्स के आप क्रॉप्स की बात कर लीजिए, आपको वीट की क्रॉप लगानी है, तो वीट की क्रॉप में भी ब्रीड्स होती हैं, कुछ ब्रीड्स ऐसी हैं जो हाई प्रोडक्टिविटी होती है, जैसे हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, राइट? तो यानी कि वीट एक ही कैटेगरी है लेकिन उसमें भी ब्रीड अलग अलग है, तो आप कौन सी ब्रीड चूज करेंगे, जो ज्यादा प्रोडक्टिविटी देती है या फिर जो कम प्रोडक्टिविटी वाली देती है? आप कहेंगे कि नहीं सर ज्यादा वाली, राइट? अच्छा, अगर आपका एक फार्म हाउस है या घर है और आपको उसको सिक्योर करने के लिए किसी डॉग्स को रखना है, तो डॉग एक कैटेगरी है लेकिन उसमें भी एक पमेरियन है, एक ग्रेट डेन है, आप किसको रखेंगे? ग्रेट डेन ये समझ लीजिए कि सबसे बड़ी ब्रीड होती है डॉग्स की, तो वो फार्म हाउस वगैरह को सिक्योर करने के लिए बेस्ट है। तो आप कहेंगे सर ग्रेट डेन है तो डॉग्स लेकिन डिफरेंट है। काउज बफेलो की बात कर लीजिए, सरकार का राष्ट्रीय गोकुल मिशन है, तो ऐसे में आप मुझे बताइए किस काउ को प्रेफर करेंगे, जो ज्यादा मिल्क यील्ड करती है या कम? अब इसको देखिए, भावनाओं को साइड में रखिएगा, भावनाओं का सबका सम्मान है, लेकिन मैं यहां पर लॉजिक की बात कर रहा हूं। कंसिडर यू आर अ डेयरी फार्मर, तो आपको ज्यादा मिल्क चाहिए, तो आप उस ब्रीड की बात करेंगे जो ज्यादा प्रोडक्टिव रखती है, तो वो भी काउ एक कैटेगरी है। तो ऐसे में नेचर ने एक ही कैटेगरी में अलग अलग क्वालिटी बनाई है कि नहीं बनाई है? तब आप कहेंगे बिल्कुल सही बनाई है। और आप भी चूज किसको कर रहे हैं, जो ज्यादा काम की है, जो ज्यादा कैपेबल है। अब आ जाइए इंसानों पर, तो इंसान एक कैटेगरी है। अब आपको क्या लगता है इसमें सुपीरियर और इंफीरियर ब्रीड होती है कि नहीं होती? अब जनता कहेगी यस होती हैं, बिल्कुल सही बात, क्या लॉजिक समझाया है आपने, तो हम तो हिटलर के साथ हैं, सही बात। जैसे इन सब कैटेगरी में हाई ब्रीड एंड लो ब्रीड है, ऐसे ही इंसान भी एक कैटेगरी है, उसमें भी हाई ब्रीड लो ब्रीड है। कुछ लोग बने होते हैं राज करने के लिए, कुछ लोग बने होते हैं राज झेलने के लिए, ऐसा इनका मान लीजिए लॉजिक है। तो वैसे में उन्होंने कहा कि ज्यूज जो हैं वो इन्फीरियर ब्रीड हैं और जर्मन जो हैं वो सुपीरियर ब्रीड हैं। और एक और बात ध्यान रखिएगा, जो हारा हुआ होता है उसको मजबूती के कारण की जरूरत पड़ती है। जर्मनी उस टाइम पर इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, सोशल क्राइसिस चल रहे थे,
ऐसे में उनको मजबूती का एक विचार दिया गया, बड़ा लॉजिक दिया और कहा कि अब आपका भविष्य बहुत जबरदस्त होने वाला है, तो जाहिर सी बात है वो लोग इनको फॉलो करेंगे क्योंकि हर कोई बेहतर भविष्य चाहता है। अब ऐसे में ज्यूस की तो शामत आ गई, राइट, इनके लॉजिक तो फिट बैठ गए, लेकिन इनका क्या होगा, प्रोसिक्यूशन होने लगा। अब ऐसे में ज्यूस को एक बात समझ में आई कि भाई हमें संगठित होना पड़ेगा। हालांकि ज्यूस पॉपुलेशन में दे आर वेरी टैलेंटेड, दे वर वेरी टैलेंटेड दैट टाइम ऑल्सो, मीन्स फाइनेंस मार्केट में आपको देखेंगे तो वहां पर आपको ज्यूस मिलेंगे अक्रॉस द यूरोप, कितने सारे मार्केट्स में सेक्टर्स में आपको ज्यूस अच्छे पोजिशंस में मिलेंगे, बट वहां पर संगठन की कमी थी। अब इसके प्रयास तो पहले से जारी थे, लेकिन इस प्रोसिक्यूशन की वजह से, क्योंकि जब आवश्यकता होती है आविष्कार हो जाता है, तो ऐसे में फिर डेवलप होती है ज़ायनिस्ट मूवमेंट, ZIONIST, ज़ायनिस्ट मूवमेंट। ज़ायनिस्ट मूवमेंट है क्या? ज़ायनिस्ट मूवमेंट इन ज्यूस से कहती है कि भाई ये प्रोसिक्यूशन अभी झेलते रहना है या फिर इसको खत्म करना है। हमने कहा सर अब तो खत्म करना है, बहुत हो गया। तो खत्म कैसे होगा? हमारे धार्मिक किताब में कहा गया कि हमारा जो ऑरिजिन है वो उस जगह से हुआ है, वो जगह इन्होंने इंटरप्रेट करी कि वो जेरूसलेम है। तो यानी कि अगर हमारा ऑरिजिन वहां हुआ है तो हमारा देश, हमें भी एक राष्ट्र की जरूरत है। जैसे हर कोई राष्ट्र राष्ट्र बना रहा है, तो हमें भी राष्ट्र की जरूरत है, तभी हमारी सुरक्षा होगी, तभी हम मजबूत बनेंगे। तो एक ज़ायनिस्ट मूवमेंट चली और दुनिया भर के ज्यूस से कहा गया कि सबसे पहले इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करो पैसा, और दुनिया भर के ज्यूस से कहा गया कि आप कहां चलिए, जेरूसलेम, जहां पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन मेजॉरिटी में थी। इमिग्रेशन बढ़ता रहा, लोग आते रहे, ज्यूज आते रहे, और धीरे धीरे वहां की जो डेमोग्राफी है वो चेंज होती रही। अब वही पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन माइनॉरिटी बनने लग गई थी और ज्यूज मेजॉरिटी बनने लग गए थे। अब इस दौरान ये जो विश्व की ताकतें हैं ये क्या कर रही थी? मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स वहां हुकूमत कर रहे थे, तो ऐसे में जो हैवी डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, उसके बाद की कहानी तो आपको मैंने समझाई दी। अब देखिए वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 टू 1918, उसी दौरान 1917 खत्म होने से एक साल पहले, आर्थर जेम्स बेलफोर ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन पोर्टफोलियो बेसिकली हैंडल कर रहे थे, इन्होंने बेलफोर डिक्लेरेशन जारी किया। था क्या? इन्होंने कहा कि हम प्रॉमिस करते हैं कि यहां पर ज्यूस को एक राष्ट्र मिलेगा। अब आप कहेंगे कि यार ये प्रॉमिस करने वाले कौन हो गए? ये प्रॉमिस करने वाले इस वजह से हो गए क्योंकि ये राज कर रहे थे उस क्षेत्र पर, राइट, और वहां पर अभी पैलेस्टीनियन नेशनलिज्म जगह जगह से वो फोर्स चल रही थी। मैंने आपको एग्जांपल दिया सीरिया से और अदर अरब नेशनल मूवमेंट्स वर सपोर्टिंग कि यहां पर पैलेस्टीनियन कॉज के आधार पर पैलेस्टीन का एक सेपरेट नेशन बने, लेकिन क्योंकि कॉलोनियलिज्म था उस टाइम पर, तो इस वजह से वो सफल नहीं हो पा रहे थे, ब्रिटिशर्स उनको क्रश कर दे रहे थे। तो ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम आपको प्रॉमिस करते हैं आपको राष्ट्र मिलेगा। ब्रिटिशर्स का ऑब्जेक्टिव क्या था, क्यों इतनी उदारता दिखा रहे थे ज्यूज के लिए? सबसे पहले तो ज्यूज वहां रहेंगे तो उनका कहना था कि वो एक्सप्लोइट कर सकते हैं रिसोर्सेज को आसानी से। उनका मानना था कि जो अरब नेशनल्स हैं वो उनको लिए रेजिस्टेंस पैदा करेंगे, लेकिन ज्यूज जो चाहते हैं एक अच्छा एक राष्ट्र वहां पर बनाना, हम उनको प्रॉमिस करेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे हिसाब से नीतियां बन जाएंगी। दूसरा, जब युद्ध होगा तो युद्ध में इस क्षेत्र में वो ज्यूज सोल्जर्स को यूज कर पाएंगे। इमिग्रेशन हो रहा था, दुनिया भर से ज्यूज आ रहे थे, ज़ायनिस्ट मूवमेंट, और ब्रिटिशर्स को आने दे रहे थे। क्यों? क्योंकि इस रीजन में जब वो लोग आएंगे, अब उनको क्या चाहिए? काम चाहिए। तो ब्रिटिशर्स कहेंगे कि भाई हमारे वॉर में शामिल हो जाओ, आपको यूनिफॉर्म मिलेगी, पावर मिलेगी, और जब आप एडमिनिस्ट्रेशन में होते हैं किसी क्षेत्र में तो वहां पर अपना से रख पाते हैं, उस क्षेत्र का भविष्य गढ़ पाते हैं। तो ज्यूज को एक बात समझ में आई, लेकिन ब्रिटिशर्स का क्या फायदा था कि वो यूज करेंगे वॉर में और अपने लोगों को, अपने ब्रिटिशर्स लोगों को यूज नहीं करना पड़ेगा। यहां पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट हाइफा वॉर, और हाइफा वॉर का भारत और इजराइल के संबंधों में क्या महत्व है? जब बेंजामिन नेतन्याहू पूर्व प्राइम मिनिस्टर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इजराइल जब वो इंडिया आए थे तो तीन मूर्ति चौक भी चर्चा में था दिल्ली का। तो जरा सर्च करिएगा इसके बारे में और बताइएगा कमेंट्स में, इंपॉर्टेंट है। अब देखिए पॉपुलेशन जो थी ज्यूस की वो आ तो गई थी, लेकिन अब हो गए कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट। वेस्टर्न नेशन इन्फ्लुएंस स्टार्टेड टू रोज अ पॉइंट दैट इवन अरब नेशंस स्टार्टेड टू अपोज इट, क्योंकि अरब देशों को अब दिख गया था कि इस फलस्तीनी क्षेत्र में अब ज्यूज जो हैं वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं, तो अब उनको लगा कि ये तो गलत हो जाएगा, तो ऐसे में अपोजिशन होने लगा। अब जब अपोजिशन ज्यादा बढ़ गया तो देखिए ब्रिटिशर्स ने क्या कहा, ब्रिटिशर्स ने कहा कि हम तो जा रहे हैं वापस,
अब ये जो ज्यूज थे सिग्निफिकेंटली वहां पर स्टेब्लिश हो गए थे, लेकिन अब अलग से एक राष्ट्र थोड़ी ना बना था। तो इन्होंने कहा आप छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा क्या होगा। ब्रिटिशर्स ने कहा तुम्हारा कराएंगे, टेंशन क्यों ले रहे हो। 1947 में तो ब्रिटिशर्स ने क्या करा, इस मुद्दे को टेकअप किया यूएन में कि देखिए तो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, अब तो ये ज्यूज और पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स का कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और कॉन्फ्लिक्ट को रिजोल्व करने की जिम्मेदारी किसकी है, यूएन की है, यूएन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, तो यूएन इसका सोल्यूशन दे। अब ब्रिटिशर्स तो वहां पर मजबूत थे ही, यूएस की मार्केट में भी और यूएस इकोनॉमी में, मतलब यूएस की इकोनॉमी में भी ज्यूज पॉपुलेशन अच्छी खासी है, स्पेसिफिकली इन फाइनेंस सेक्टर, तो वहां से भी लॉबिंग हुई और कहा कि देखिए यूएन में इसका सोल्यूशन निकलवाइए। यूएन ने कहा टू नेशन थियरी, यानी कि ऐसा करते हैं अब दो राष्ट्र बनेंगे, एक बनेगा पैलेस्टाइन रीजन, एक बनेगा इजराइल रीजन फॉर ज्यूज और पैलेस्टाइन रीजन फॉर मुस्लिम्स, यानी कि धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों की संकल्पना। कुछ रिलेट हो रहा है कुछ इंडिया से भी, 1947 का टाइम वैसे चल रहा है यहां पर। यस, इंडिया में भी धर्म के आधार पर दो राष्ट्र का कंसेप्ट दिया गया था, राइट। अब इसके बाद सीरीज ऑफ वॉर स्टार्टेड। अब आप कहेंगे कि जब टू नेशन की बात हो गई तो फिर वॉर क्यों हुए। वॉर इस वजह से, पैलेस्टीनियन ने कहा कि ये तो हमारा ही क्षेत्र था, अब हमसे ही आधा क्षेत्र लेकर आप ज्यूस को दे रहे हो और कह रहे हो कि एक अलग नेशन हो जाएगा ज्यूस का, ये तो सरासर गलती हो गई हमारे साथ, तो हम तो ऐसा होने नहीं देंगे। ज्यूस कह रहे थे कि ये तो हमारा राष्ट्र है और हमें बेलफोर डिक्लेरेशन में प्रॉमिस किया था ब्रिटिशर्स ने, और ब्रिटिशर्स ही कॉलोनियल पावर थे तो हम तो इसको लेकर रहेंगे, इस डिक्लेरेशन के हिसाब से हम भी सही हैं। इसके बाद फर्स्ट अरब इसराइल वॉर होता है 1948 में, फर्स्ट अरब इसराइल वॉर। इसराइल कैप्चर कर लेता है वेस्टर्न हाफ ऑफ द सिटी एंड जॉर्डन टुक द ईस्टर्न पार्ट। जॉर्डन पड़ोसी देश, जरा लोकेशन देख लीजिए, और प्लेन्स में भी स्पेसिफिकली ध्यान रखिएगा, यूपीएससी ने लगातार 3 साल लोकेशन स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे हैं, राइट। तो जो लोकेशन क्राइसिस में है तो उसके आसपास देख लेना है, जैसे इसराइल है तो इसराइल के इधर आप देख रहे हैं जॉर्डन को, तो जॉर्डन ने अभी जो आप मैप देख रहे हैं, एक्चुअल में 1948 के बाद जॉर्डन ने ये पूरा एरिया कैप्चर कर लिया था। जॉर्डन टुक द ईस्टर्न पार्ट विच इसराइल लेटर कैप्चर्ड, ये बाद में इसराइल ने लिया इस पूरे एरिया को, इस पूरे एरिया को जॉर्डन ने ले लिया था एनेक्स, और ज्यूस। लेकिन इस वॉर का जो निष्कर्ष निकला वो ये निकला कि इसराइल ने फाइनली अपने आप को इंडिपेंडेंट नेशन घोषित कर दिया, क्योंकि कुछ टेरिटरीज को तो उन्होंने वॉर के बाद अपने आप सिक्योर कर लिया, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने अलग से राष्ट्र हैं क्योंकि अब तो हमने ये चीजें जीती हैं। अब इसके बाद 1964 आता है, यहां पर पीएलओ का जन्म होता है, पीएलओ पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन का जिम्मा था कि हमें पैलेस्टाइन कॉज को दुनिया भर से सपोर्ट लेना है और उसके बाद इस इजराइल ऑक्यूपेशन को हटाना है। पैलेस्टाइन जो पीएलओ की जर्नी है, इसमें शुरुआती जो टाइम था देवर यूजिंग दिस टेररिस्ट मेथड्स, यानी कि वायलेंस का इस्तेमाल कर रहे थे यू कैन से, और बाद में यही पीएलओ थी जिसने शांति का रास्ता भी अपनाया ऑस्लो एकॉर्ड से, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। पीएलओ तो फाइट लिबरेशन ऑफ पैलेस्टाइन कौन से मेथड यूज कर रहे थे, बॉम्ब स्क्वाड अटैक एटसेट्रा। सर्च करिएगा म्यूनिक ओलंपिक के बारे में, कैसे पीएलओ के कुछ लोगों ने इजरायली जो टीम थी म्यूनिक ओलंपिक जर्मनी में जो रुकी हुई थी वहां पर अटैक किया था, और उसके बाद सर्च करिएगा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, ऑपरेशन रैथ ऑफ गॉड, जिसके लिए इजराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है मोसाद, आज तक उसको दुनिया की टॉप मोस्ट इंटेलिजेंस एजेंसी बताया जाता है। खैर, कमिंग बैक टू द टॉपिक, 1980 में दिस पीएलओ एक्चुअली कॉम्प्रोमाइज्ड, और वो एग्री हो गए थे कि हाँ अब हम पैलेस्टाइन और इजराइल या टू नेशन थ्योरी से हम एग्री हो जाएंगे। कहा जाता है कि इसमें वेस्टर्न नेशंस का पीएलओ पर जो इन्फ्लुएंस था वो भी एक कारण था, और इसी वजह से सभी पैलेस्टीनियंस पीएलओ के जो ट्रांजिशन था इसको सपोर्ट नहीं करते थे। 1967 में, देखिए 64 में बन गई है, 1967 में होता है 6-day वॉर, और इसके बाद तो इजराइल का भविष्य चेंज हो जाता है फॉर द पॉजिटिव साइड। क्यों, द गोलन हाइट, इस लोकेशन को देखिए, द गोलन हाइट इज अ स्ट्रेटेजिक प्लेट्यू दैट इजराइल कैप्चर्ड फ्रॉम सीरिया, ये सीरिया से कैप्चर कर लेता है इजराइल, इजराइल कैप्चर्ड जेरूसलेम, और ये जो जेरूसलेम है ये बहुत ही पायस साइट है जो कि जुडाइज्म एज वेल एज मुस्लिम्स दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी भी इशू बना हुआ है। पैलेस्टीनियंस कहते हैं कि ये जेरूसलेम हमारे पास होना चाहिए, और इसराइल कहता है कि नहीं ये हमारी कैपिटल है। तो खैर, अब जरा इस मैप को देख लीजिए, इससे थोड़ा सा समअप हो जाएगा आपके लिए, आसान हो जाएगा।
यहाँ पर जो आप ये जो कलर देख रहे हैं, तो इस कलर का बेसिकली मतलब ये है कि ये पैलेस्टीनियन है, तो बेसिकली यहाँ पर पैलेस्टाइन था। हम बात करें 1946 की, इसके बाद ट्रांजिशन देखिए 1947 में, हम देख रहे हैं कि ये पैलेस्टीनियन यहाँ थे और यहाँ पर आपका इसराइल डेवलप हो रहा था। इसके बाद 1967 में देखिए ये पैलेस्टीन है, यहाँ पर आपका वेस्ट बैंक एरिया हो गया, ये गाजा स्ट्रिप हो गया। और इसके बाद अब देखिए ये आपका इसराइल है, ये गाजा स्ट्रिप है, और ये वेस्ट बैंक में अगर आपको येलोइश कलर दिख रहा होगा तो येलोइश बेसिकली ये ज्यूज सेटलमेंट है, यानी कि इस एरिया में भी ज्यूज रहते हैं विद द सपोर्ट ऑफ इसराइल। अब होता है 1973 योम किपुर वॉर। योम किपुर एक फेस्टिवल है ज्यूज का, तो इसमें बेसिकली वो व्रत रखते हैं एक तरीके से आप ये मान लीजिए, राइट, और इसी दिन युद्ध हो जाता है। और एक्चुअली जो युद्ध करने वाली ताकतें हैं जो अरब नेशंस है, उस दिन उस टाइम रमजान भी चल रहे थे, तो व्हाइल ज्यूज वर सेलिब्रेटिंग योम किपुर फेस्टिवल, इजिप्ट सीरिया जॉर्डन अटैक्ड ऑन इसराइल बट ऑल थ्री लॉस्ट वॉर। अब ये मैंने कहा था पिछला वाला वॉर 1967 वाला वॉर, उसमें इसराइल को फेवर मिला, मतलब इसराइल के लिए पॉजिटिव साबित हुआ, गोलन हाइट्स ले लिया, वो कैप्चर कर लिया इधर ईस्टर्न वाला पार्ट। 1973 में और ज्यादा स्ट्रेंथ इसराइल ने अपनी दिखाई, तीन देश इकट्ठे तीनों दिशाओं से युद्ध कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं इसराइल पर। इजिप्ट लॉस्ट 23,500 स्क्वायर माइल ऑफ सिनाई पेनिनसुला, ये पूरा सिनाई पेनिनसुला, जिसको सिनाई पेनिनसुला ये देखिए ये जो एरिया है ये सिनाई पेनिनसुला है, यहां पर आपका इजिप्ट है, ठीक है। तो इसराइल ने ये एरिया कैप्चर कर लिया था इजिप्ट से, हालांकि बाद में वापस दिया, अभी बताएंगे उसके बारे में। जॉर्डन लॉस्ट द वेस्ट बैंक एंड ईस्ट जेरूसलेम, बताया था आपको जॉर्डन ने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है, ये वाला एरिया है, ये कैप्चर किया हुआ था, तो जॉर्डन से ये वापस ले लिया गया। एंड ईस्ट जेरूसलेम, सीरिया लॉस्ट द स्ट्रेटजिक गोलन हाइट, तो अब और ज्यादा मजबूत यहां पर इसराइल हो गया था इस एरिया में। अब इसके बाद कैंप डेविड अकॉर्ड होता है, यूएस आता है बीच बचाव कराने की, देखिए ऐसा है शांति का कुछ सोल्यूशन निकालते हैं। इसराइल ने कहा हमें चाहिए फुल सम्मान, फुल सम्मान का मतलब हमें चाहिए नेशनल रिकॉग्निशन कि आसपास के लोग हमें माने नेशन, ये मान ही नहीं रहे नेशन। तो ऐसे में अंडर कैंप डेविड अकॉर्ड ये साइन होता है कि इजिप्ट रिकॉग्नाइज करेगा इसराइल को एज नेशन, और बदले में रिटर्न कर दिया इसराइल ने सिनाई पेनिनसुला टू इजिप्ट। तो अब आपको समझ में आया कि ये जो रीजन है ये एक्चुअली इसराइल ने कैप्चर कर लिया था। कैंप डेविड अकॉर्ड जिसको नेगोशिएट करा रहा था यूएस, उसके तहत इन्होंने इसको वापस दे दिया और इनको मिल गया रिकॉग्निशन बाय इजिप्ट। 1987 में अब हमास बनती है। अब ये हमास क्या है, मैंने आपको बताया कि पीएलओ से हर कोई खुश नहीं था, सारे पैलेस्टीनियंस खुश नहीं थे, क्योंकि पीएलओ स्टार्ट हुई थी एक वायलेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो बॉम्ब और अटैक का यूज कर रही थी, फिर उसके बाद यूएस के साथ और वेस्टर्न पार्ट्स के साथ वो सॉल्यूशन ढूंढने लग गई और वो टू नेशन थ्योरी के लगभग एग्री होने लग गई। ऐसे में हमास उठकर आई, हमास ने कहा कि नहीं, हम तो एग्री नहीं करेंगे कि इसराइल कुछ है यहां पर, हम कहेंगे कि इसराइल तो एक इलीगल ऑक्यूपेशन है ऑन पैलेस्टाइनियन लैंड और इसको यहां से हटाना होगा। तो वायलेंट एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रिमूवल ऑफ ज्यूज फ्रॉम पैलेस्टाइन, अब सबको यहां से साफ करेंगे, पैलेस्टीन इज ऑफ अरब मुस्लिम्स नॉट ज्यूज, ये हमास का आइडिया था और हमास की इस आइडिया को काफी सारे पैलेस्टीनियंस ने बेसिकली सपोर्ट भी किया। और इन्होंने अल्लाह के नाम से मतलब जिहाद इसको बोला, कहा कि इस पूरे पैलेस्टीनियन एरिया के एक एक इंच पर अल्लाह का बैनर होगा, जिहाद होगा। तो जाहिर सी बात है जो अरब नेशंस हैं वो भी कहेंगे और दुनिया के अलग अलग इलाकों के जो मुस्लिम्स हैं वो भी कहेंगे कि भाई अगर हर इंच पे ये यहाँ पर बैनर लगाएंगे अल्लाह के, तो जाहिर सी बात है हम इनको सपोर्ट करेंगे पैसों से भी हथियारों से भी। तो इस वजह से कॉज पकड़ में आया और उस कॉज को इन्होंने जनता से कनेक्ट किया, पैसे और हथियारों की फिर इन्हें दिक्कत नहीं हुई। इंटरनेशनली डिक्लेयर्ड एज टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन और फर्स्ट इंतफादा होता है, इंतफादा का मतलब होता है अपराइजिंग, ओके, तो पैलेस्टीनियन अपराइजिंग होती है अगेंस्ट इजराइल वहां पर। नाउ ज्यूज आर रेस्ट्रिक्टेड टू गाजा एंड वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, रेस्ट एरिया इज अंडर इजराइल। ये बेसिकली मैं बात करूं पैलेस्टीनियंस की, तो पैलेस्टीनियंस वर एक्चुअली रेस्ट्रिक्टेड टू दिस गाजा स्ट्रिप एंड दिस वेस्ट बैंक, और बाकी सब जगह ये हो गया आपका इजराइल। ध्यान रखिएगा हमास का जो डोमिनेंस है वो गाजा स्ट्रिप में है, यानी कि जब हम पैलेस्टीन को देख रहे हैं तो पैलेस्टीन में भी गाजा है और वेस्ट बैंक है,
तो जो वेस्ट बैंक है यहां पर पीएलओ इन्फ्लुएंस है, यानी कि वही पीएलओ जो शांति की बात कर रही है। और इसके बाद एक और ऑर्गेनाइजेशन बनी फतह। तो बेसिकली तीन ऑर्गेनाइजेशन ध्यान रखनी है आपको जब भी आप पैलेस्टाइन की बात करेंगे, एक हमास है, एक पीएलओ, एक फतह है। तो फतह को बेसिकली सपोर्ट किया पीएलओ ने, यानी कि पीएलओ फतह शांति, और जो हमास है वो कहती है बंदूक। फतह ऑर्गेनाइजेशन वॉज फॉर्म्ड ऑन द वेस्ट बैंक एफिलेटेड बाई पीएलओ। आई थिंक इतना ये सब कुछ क्लियर हो गया होगा आपको। देखिए यहां पर यह है हाइफा, जिस हाइफा वॉर का मैंने आपको क्वेश्चन दिया है, 1988 आता है, जॉर्डन सीड्स टू द पीएलओ ऑल द कंट्रीज टेरिटोरियल क्लेम्स। तो देखिए वेस्ट बैंक के कुछ कुछ एरियाज जो जॉर्डन के पास थे, अब जब ये हुआ कि भाई ये तो पीएलओ यहां पर है, फतह यहां पर है, तो ऐसे में कहा गया हम तो मानते हैं कि भाई ये पैलेस्टीनियंस का है, तो इन्होंने वापस उनको वो एरिया दे दिया, ईस्टर्न जेरूसलेम एंड वेस्ट बैंक, और इस बात का सपोर्ट किया। 1993 आता है, ऑस्लो एकॉर्ड होता है, ऑस्लो एकॉर्ड यानी कि अब शांति की वार्ता, ऑफिशियली रिकॉग्नाइज ईच अदर, कौन, इजराइल एंड पीएलओ। पीएलओ ने रिकॉग्नाइज कर लिया कि इजराइल है यहां पर, और इन्होंने भी रिकॉग्नाइज कर लिया ठीक है हम पीएलओ की अथॉरिटी मानते हैं कि पीएलओ के पास ये पावर्स होंगी टू एडमिनिस्टर दिस एरिया। मैं आपको ये बता दूं, जब मैं ये डिवीजन बता रहा हूं तो अब आप में से कई लोग सोच रहे होंगे कि अच्छा, यानी कि इस एरिया में रहते हैं पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स, इसमें पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स और इसमें इजराइल, राइट, मतलब ज्यूज रहते हैं इजराइल में, और बाकी कोई भी ज्यूज यहां पर नहीं होता होगा, कोई भी ज्यूज यहां पर नहीं होता होगा, ऐसा कुछ मान रहे हैं आप, लेकिन ये पूरी तरह सही नहीं है। स्पेसिफिकली इन वेस्ट बैंक देर आर सम ज्यूज सेटलमेंट्स ऑल्सो, यानी कि ज्यूज यहां रहते हैं, हालांकि गाजा में नहीं रहते हैं, लेकिन यहां रहते हैं। तो ऐसे में इसराइल हमेशा से चाहता है कि वेस्ट बैंक में जो भी हुकूमत हो उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो होगा, लेकिन उसकी अलाइनमेंट इसराइल के साथ रहे, जैसे कि वहां रह रहे जो ज्यूज पॉपुलेशन है उनका शोषण ना हो। ऑस्लो एकॉर्ड ऑल्सो एस्टेब्लिश्ड पैलेस्टीनियन अथॉरिटी, जिसके बारे में बात करता है, लिमिटेड ऑटोनोमी इन गाजा स्ट्रिप एंड पार्ट ऑफ वेस्ट बैंक, ठीक है, लेकिन हुआ क्या, ये पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की चलती नहीं है गाजा स्ट्रिप में, वेस्ट बैंक में ही चलती है। 2005 हुआ, इसराइल बिगेंस अ यूनिलेटरल विड्रॉल ऑफ ज्यूज फ्रॉम गाजा। मैंने आपको बताया कि गाजा में ज्यूज नहीं आपको मिलेंगे लेकिन वेस्ट बैंक में मिलेंगे, तो यहां से यूनिलेटरल विड्रॉल किया। हाउ इसराइल केप्ट टाइट कंट्रोल ओवर ब्लोकेड, क्योंकि वहां पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हमास है, तो वहां से ज्यूज को निकाल लिया और उसके बाद वहां पर ब्लोकेड रखा दिया। और आपने सुना भी होगा न्यूज में कई बार, जब ये गाजा की तरफ से मिसाइल दागी जाती है इसराइल की तरफ, तो वो ब्लोकेड कर देते हैं जिससे कि खाना राशन वगैरह सब कुछ रुक जाए, एक तरीका होता है प्रेशर बनाने का। ऑलमोस्ट इन एवरी 2-3 ईयर हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रगल स्टार्ट हो जाता है इसराइल और पैलेस्टीन में, और स्ट्रगल की वजह से जो जितना थोड़ा बहुत अगर इंप्रूवमेंट भी आता है हालात में, वो उतना ज़्यादा खराब हो जाता है। तो पैलेस्टीन में जो कंसर्टेड एफर्ट से कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनता है, स्पेशली इन दिस गाजा वाला एरिया, वो वैसे बर्बाद हो जाता है। नाउ इन 2006 हमास स्कोर्स अ विक्ट्री इन पैलेस्टीन अथॉरिटी इलेक्शन। इससे आपको क्या पता लग रहा है, यानी कि हमास जो वायलेंस बिलीव करती है, जो इसराइल को मानती नहीं है कि एक नेशन है, अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो यानी कि पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन जो है वो हमास के आइडिया को सपोर्ट करती है। हालांकि कुछ दिन तक इनकी जॉइंट गवर्नमेंट चली हमास की और फतह की, लेकिन फिर जो गाजा स्ट्रिप से हमास ने फतह को हटा दिया वहां से कि भाई आपका यहां पर नहीं चलेगा, उसके बाद जो फतह थी उसने रामल्ला जो मेन लोकेशन है वेस्ट बैंक की, तो वहां से इन्होंने सरकार चलानी स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा कि हम ट्रू अथॉरिटी हैं पैलेस्टीन की यानी कि वेस्ट बैंक की भी और गाजा की, लेकिन हालांकि इनका जो चलता है वो कहां पर चलता है, वेस्ट बैंक में चलता है, प्रेसिडेंट महमूद अब्बास। 2012 में यूएन ने अपग्रेड किया पैलेस्टीन का स्टेटस, नॉन मेंबर ऑब्जर्वर स्टेटस इनको दे दिया। अब इसराइल की जो बाउंड्रीज हैं वो देख लीजिए अभी ना, पॉपुलेशन में आपको बता रहा था कि इसराइल में देखिए यहां पर पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स भी हैं, करीब 16 लाख पैलेस्टीनियन मुस्लिम्स इसराइल में रहते हैं, ओके। गाजा में इसराइली आपको नहीं मिलेंगे, बताया था आपको 2005 यूनिलैटरली इसराइल ने बाहर निकाल लिया था, लेकिन वेस्ट बैंक में आप देखिए, वेस्ट बैंक में आपको ये रहा वेस्ट बैंक 463,353 ये इसराइली सेटलमेंट आपको यहां पर मिलेंगे, इतने लोग यहां पर रहते हैं। ये डेटा बेसिकली इसराइली सेंट्रल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स से लिया गया है, 2020 का डेटा है ये। पैलेस्टीनियन 2.7 मिलियन इस क्षेत्र में रहते हैं। ऐसी जेरूसलेम की बात करूं तो जेरूसलेम इंपॉर्टेंट लोकेशन, ये भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, वेस्टर्न जेरूसलेम एंड ईस्टर्न जेरूसलेम। ईस्टर्न जेरूसलेम जहां पर पैलेस्टीन अपना क्लेम करता है कि भाई ये तो हमारी कैपिटल है, वेस्टर्न जेरूसलेम जहां पर इसराइल है, हालांकि इसराइल तो कहता है पूरा जेरूसलेम अपना ही है।
तो ऐसे में वेस्टर्न जेरूसलेम में 3,49,700 इसराइलीज हैं और 4,500 पैलेस्टीनियंस हैं, यानी ये कुल मिलाकर बात ये होगी वेस्टर्न जेरूसलेम में मेजॉरिटी में इसराइली और ईस्टर्न जेरूसलेम में मेजॉरिटी में है पैलेस्टीनियंस। 3,45,000 हैं, यहाँ पे 2,20,000 इसराइली सेटलमेंट है। इसराइल स्ट्रेटेजिकली इन सेटलमेंट्स, इसराइली सेटलमेंट्स को ईस्टर्न पार्ट से हटाता नहीं है, जिससे कि अपना जो क्लेम है कि नहीं ये पूरा जेरूसलेम अपना है वो बना रहे, ये तरीका होता है। और जब इसराइल ने घोषित किया कि जेरूसलेम तो अपनी कैपिटल है, पहले कैपिटल तल अवीव थी, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम तो मानते हैं कि आपकी कैपिटल ये है। हालांकि इंडिया ने वहां पर जो है एक बैलेंसिंग एक्ट खेला था, इंडिया ने कहा था हम इसको सपोर्ट नहीं करते। व्हाई इंडिया वोटेड अगेंस्ट यूएस इसराइल ऑन जेरूसलेम एट यूनाइटेड नेशन, जेरूसलेम के मुद्दे पर इंडिया ने सपोर्ट क्यों नहीं किया इसराइल का, दैट इसराइल्स कैपिटल इज जेरूसलेम। तो देखिए उसके रीजंस हैं, तो क्या रीजंस है, सबसे पहले तो ह्यूज मुस्लिम पॉपुलेशन इन इंडिया, दूसरा OIC नेशन, एनर्जी रिसोर्सेज एंड ट्रेड, आपको बताया कि रीजन एनर्जी के लिए इंपॉर्टेंट है, सऊदी अरब नहीं चाहता कि जेरूसलेम इसराइल की कैपिटल मानी जाए, राइट। हालांकि अब तो रिलेशन यूएस के नेगोशिएशन की वजह से अब जो है पटरी पर आ रहे हैं, और सऊदी अरब अरब नेशंस में से वो प्रोमिनेंट नेशन है जो कि अब जो है इसराइल के करीब जा रहा है, और इसी वजह से टर्की जो है वो अपने आप को मुस्लिम वर्ल्ड का लीडर घोषित करना चाह रहा है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो ऑर्गेनाइजेशन है इस्लामिक कंट्रीज़ की, हम उनके साथ एक बैलेंस बनाकर चलना चाहते हैं, तो इस वजह से हम जो है इस वाले एक्ट के खिलाफ हैं। इंडिया हैज़ अडॉप्टेड बैलेंसिंग आउट पॉलिसी, यानी कि हम चाहते हैं कि हम इसराइल के साथ भी हों अपने इंटरेस्ट की वजह से, हमारे मेन इंटरेस्ट इसराइल में डिफेंस है, एग्रीकल्चर है, साइंस एंड टेक है, और स्ट्रेटेजिक है यूएस की वजह से। NRI और रेमिटेंसेज आते हैं इस क्षेत्र से, हम नहीं चाहते इस क्षेत्र को नाराज करना, और रीजनल स्टेबिलिटी इस क्षेत्र की हमारे लिए ज़रूरी है। 2014 में इंडिया, अब देखिए 2014 में इंडिया ने क्या करा, सबसे पहले तो इंडिया ने फेवर किया UNHRC में कि देखिए इसराइल ने ह्यूमन राइट वायलेशन किए हैं तो इस रेजोल्यूशन को टेकअप करना चाहिए। लेकिन जब इस रेजोल्यूशन पर बात आई वोट करने की तो इंडिया ने एब्सटेन कर दिया, फिर इंडिया वहां पर दिखा नहीं, तो यहां पर इंडिया बैलेंस खेल रहा है। एज पार्ट ऑफ लिंक वेस्ट पॉलिसी इंडिया इज डीहाइफिनेटेड रिलेशन, इसका मतलब देखिए क्या है, डीहाइफिनेटेड का मतलब यह है कि जैसे अगर हमारे मोदी जी गए इसराइल, तो ऐसा नहीं है केवल वो इसराइल गए, वो पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन पैलेस्टीन के साथ भी बैलेंस करके आए हैं। तो मतलब ये है कि भाई हम वो वाली पॉलिसी नहीं रख रहे कि इसराइल के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं तो पैलेस्टीन के साथ खराब होंगे, हम पैलेस्टीन के साथ सेपरेट रिलेशन रखेंगे, इसराइल के साथ सेपरेट रिलेशन रखेंगे। इसको हम कह रहे हैं डीहाइफिनेटेड पॉलिसी, हमारे रिलेशन आपकी डायनेमिक्स की वजह से इम्पैक्ट में नहीं आएंगे। 2019 इंडिया वोटेड इन फेवर ऑफ डिसन इंट्रोड्यूस इसराइल इन UN। अब देखिए UN इकोसॉक में इसराइल ने कहा कि भाई ये UN इकोसॉक में आप पैलेस्टीन के एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन को जगह क्यों दे रहे हो, क्योंकि नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टांस है वो इसराइल एश्योर नहीं कर सकता, PLO के साथ अलाइनमेंट कर लेंगे, अब्बास साहब के साथ कर लेंगे, लेकिन NGO को क्यों। तो ऐसे में इंडिया ने कहा बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं, जिससे चीज़ें बिगड़े वैसा काम करना क्यों है। तो इंडिया ने इसमें इसका सपोर्ट किया, तो यानी कि हम बैलेंस कर रहे हैं, कहीं जेरूसलेम में हम सपोर्ट नहीं कर रहे, यहां पर हम सपोर्ट कर रहे हैं। अब ब्रिलियंस क्या है इंडिया की फॉरेन पॉलिसी की, यानी कि हम पैलेस्टीन के डिटर्मिनेशन को भी सपोर्ट करते हैं और साथ में हम इसराइल के साथ अपने इंटरेस्ट की वजह से, अभी आपको बताया डिफेंस, मिलिट्री, इकोनॉमिक, राइट, एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक, इसकी वजह से हम इसराइल के साथ भी अपने रिश्तों को बनाकर रखना चाहते हैं। पैलेस्टीन के साथ क्यों चाहते हैं आपको बताया अभी। अब नेहरू से राव और राव से मोदी तक इंडिया की जो पॉलिसी वो कैसे इवॉल्व हुई है। बैलेंसिंग एक्ट अगर मैं राव के टाइम पर बोलूं तो वो चेंज क्यों हुआ, देखिए राव के टाइम में आप 1992 का टाइम देखिए, ऑलरेडी USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था, राइट। अब हमें एक सुपर पावर की बैकिंग की जरूरत थी फॉर एश्योरिंग आर इंटरेस्ट, वो था US, और US सपोर्ट करता है इसराइल को, तो जाहिर सी बात है अब इसराइल के साथ हमारी जो पॉलिसी है, फॉरेन पॉलिसी है, वो इंप्रूव होगी कि नहीं होगी, अब वो क्लोजनेस वाली होगी कि नहीं होगी, होगी। तो यानी कि इंडियाज डिसीजन टू नॉर्मलाइज टाइज विद इसराइल इन 1992, विच केम अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ द ब्रेकअप ऑफ सोवियत यूनियन एंड मैसिव शिफ्ट इन जियोपॉलिटिक्स इन वेस्ट एशिया, क्योंकि वेस्ट एशिया की जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही थी, तो इस वजह से हमें भी अपनी नीति को इसराइल के लिए चेंज करना होगा। मैं आपको बता दूं, जो शुरुआत हुई थी हमारी नीति की, तो उस टाइम पर हम पैलेस्टीनियन सॉलिडैरिटी रखते थे, हम फिलिस्तीनियों के साथ सपोर्ट करते थे जब हम आज़ाद हुए थे। हालांकि 1950 में हमने रिकॉग्नाइज कर लिया कि हाँ इसराइल एक नेशन है। नेहरू जी से पूछा गया, भाई आप कहते हो कि आप UN के टू नेशन थ्योरी को आप सपोर्ट नहीं करते,
क्यों नहीं करते? क्योंकि आपने खुद टू नेशन थ्योरी झेली, आप कहते हो कि नहीं धर्म के आधार पर राष्ट्र नहीं बनने चाहिए, तो इस वजह से आपने पैलेस्टीन और इसराइल का जो टू नेशन का कंसेप्ट है उसको सपोर्ट नहीं किया। मानते हैं हम 1947 में आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन 1950 में फिर आपने इसराइल को रिकॉग्नाइज क्यों किया? तो ऐसे में नेहरू जी ने जवाब दिया कि देखिए ये एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट बन गया है, इसराइल एक राष्ट्र बन गया है और वो जाने नहीं वाला, उसको जो देश बैकिंग कर रहे हैं और यूएन का जो रिकॉग्निशन है, इसका मतलब है कि हमको भी उसको मान लेना चाहिए। अगर हम नहीं मानते तो इसका मतलब है यूएन नेशंस के बीच में ही हम जो है एक रैंकर स्टैब्लिश कर रहे हैं, मतलब अनस्टेबिलिटी रहेगी, एक कोहेरेंस मिस हो जाएगा। तो हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया, लेकिन रिकॉग्नाइज करने का मतलब ये नहीं कि हमने फुल डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर लिए थे। मैं नेहरू से राव और राव से मोदी तक का सफर तय करा रहा हूं आपको, तो इस वजह से जरा ध्यान से सुनिएगा। इसके बाद फुल रिलेशनशिप हमने एस्टैब्लिश नहीं करी, यानी कि इंडिया की एम्बेसी वहां नहीं एस्टैब्लिश की गई। हालांकि हमने देखा कुछ समय बाद इसराइल ने बल्कि अपनी एक कंसुलेट मुंबई में एस्टैब्लिश करी। मुंबई में क्यों? क्योंकि जो मुंबई वाला वेस्टर्न कोस्ट वाला इलाका है, यहां पर ज्यूज पॉपुलेशन देखने को मिलती है, तो उन ज्यूज को अपने धार्मिक कारणों की वजह से अगर वहां पर जाना हो, इसराइल में जाना हो, तो वीजा वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो वो सहायता उनको कंसुलेट से मिल जाएगी। तो ये हमारा स्टैंड चल रहा था। लेकिन इसके बाद हमने देखा जैसे ही ये अब आप कहेंगे कि सर रिकॉग्नाइज कर लिया, कंसलेट आ गया, लेकिन कुछ और कारण भी थे क्या कि हम पैलेस्टीन कॉज की तरफ टिल्ट क्यों थे? इसमें एक रीज़न ये भी बताया जाता है कि जो नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी थी इंडिया की, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, उसमें ध्यान दीजिए नॉन अलाइनमेंट में मेजर लीडर कौन थे? टीटो, नेहरू, नासिर। नासिर कहाँ से थे? इजिप्ट से थे। इजिप्ट इसराइल के सपोर्ट में था क्या? नहीं था। तो यानी कि इजिप्ट और नेहरू, मतलब नासिर और नेहरू, इनका कॉम्बिनेशन भी एक लिंक बताया जाता है कि भाई हम जो है पैलेस्टीनियन कॉज के सपोर्ट में थे। अब अपार्ट फ्रॉम अदर रीजन जो मैंने आपको बताया कि भाई अरब देश हमारी ऊर्जा सुरक्षा के लिए जरूरी है, मुस्लिम पॉपुलेशन, स्ट्रेटजिक रीजंस, राइट। लेकिन अब 1992 में समय चेंज हो चुका था, राइट। अब हमें चाहिए था यूएसए, और यूएसए को सपोर्ट, यूएसए सपोर्ट कर रहा था इसराइल को, तो हमने अपनी पॉलिसी चेंज करी। That year, Palestinian Liberation Organization, PLO, much of the clout, वो उसका खराब हो रहा था। कारण, it was siding with Iraq, Saddam Hussein in occupation of Kuwait. अब सपोर्ट भी तो उसे किया जाता ना जिसको जगह जगह बेसिकली उसको रिकॉग्नाइज किया जाए कि अच्छा काम कर रहा है। लेकिन PLO जो है वो सपोर्ट करने लग गई सद्दाम हुसैन को, और सद्दाम इलीगली कुवैत को ऑक्यूपाई कर रहे थे। तो ऐसे में हमें लगा कि यार अगर ये कुवैत पे सद्दाम हुसैन का ऑक्यूपेशन सपोर्ट कर रहे हैं तो हमें इनसे थोड़ा सा एक स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस भी बनाकर रखना चाहिए। तो इस वजह से हमारी जो पॉलिसी थी इसराइल पैलेस्टाइन इशू को, उसमें एक हमने देखा कि हमने जो पैलेस्टीन से थोड़ा सा एक गैप स्टार्ट किया और इसराइल के साथ थोड़ा सा एक बेसिकली रिलेशन स्टैब्लिश करने स्टार्ट कर दिए। द ओपनिंग ऑफ इंडियन एम्बेसी इन तेल अवीव, और उसके बाद देखिए 1950 में रिकॉग्नाइज कर लिया और 1992 में जाकर हमने अपनी एम्बेसी खोली। और क्यों, समझ गए ना आप बात कि वी आर एक्चुअली कमिंग क्लोजर। ये आपको कहानी मैं पूरी बता चुका हूँ, नेहरू जी की कहानी मैं आपको बता चुका हूँ, ये बता चुका हूँ। 1953 में मुंबई में एस्टैब्लिश हुई थी कंसुलेट, हालांकि 1982 में हमने बाहर भी कर दिया था उनको। इसराइल के जो यहाँ पर कंसल जनरल थे यानी कि उनके डिप्लोमेट थे, उनसे हमने कहा कि सर आप निकलिए यहाँ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया की फॉरन पॉलिसी को क्रिटिसाइज़ कर दिया था। लेकिन 10 सालों में फिर एक नया डिफरेंस आता है और 1992 में बेसिकली हम जो है रिलेशनशिप को फिर बेटर कर लेते हैं। ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। 1948 इंडिया वॉज द ओनली नॉन अरब स्टेट वोटेड अगेंस्ट यूएन पार्ट्स, मतलब स्टार्टिंग में तो हम अपोज कर रहे थे ना इसका, ये कहानी मैं आपको बता चुका हूँ। अब रीजंस क्या थे, इंडिया ओन्स पार्टीशन, ये आपको बता चुका हूँ मैं ये कहानी। ये इन 1975 इंडिया बिकेम द फर्स्ट नॉन अरब कंट्री टू ऑर्गेनाइज PLO एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पैलेस्टीनियन। नाउ अब बात आती है 2014 के बाद की। 2014 में आ गए मोदी जी। अब मोदी जी और इससे पहले LK आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, उनके टाइम में एक हमें एक कॉमन लिंक दिखता है कि दोनों की जो पॉलिसी है इसराइल की तरफ, तो इसराइल के प्रति बहुत स्ट्रेटजिक है कि भाई हमारे इंटरेस्ट के लिए इसराइल अगर इंपॉर्टेंट है तो हमें उस इंटरेस्ट के लिए इसराइल के साथ क्लोजनेस रखनी चाहिए। सो ऐसे में डिफेंस, साइंस एंड टेक एंड एग्रीकल्चर, ये जो फैक्टर्स हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, और इसी बेसिस पे हमने 2014 के बाद देखा कि हमने इसराइल के साथ थोड़ी करीबियां बढ़ाई। इसके बाद यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल में जब ये मुद्दा उठा कि
इसराइली फोर्सेस ने ह्यूमन राइट वायलेशन किया है, तो उसमें हमने अपनी एक साइलेंस दिखाई, यानी कि इंडिकेशन था इसराइल के लिए कि देखिए हम आपके साथ खड़े हैं। अब इसके बाद 2017 की बात है ये, और इसके बाद 2017 से पहले की बात है ये। 2017 में एक शिफ्ट आता है, कई लोग कहने लगते हैं कि शायद 2014 में मोदी जी आए तो मोदी जी के बाद अब इंडिया जो है इसराइल की तरफ रहेगा, पैलेस्टाइन की तरफ नहीं रहेगा, लेकिन ऐसा सही साबित नहीं हुआ। 2017 में जब चीफ महमूद अब्बास जो पीएलओ चीफ थे वो इंडिया आए, तो इंडिया ने देखिए क्या कहा, इंडिया ने कहा कि ईस्टर्न जेरूसलम को पैलेस्टीनियन अपनी कैपिटल बताते हैं, हम उसका सपोर्ट करते हैं, यानी कि ईस्टर्न जेरूसलम आपकी कैपिटल है, हम इस बात का सपोर्ट करते हैं। तो एक बार फिर एक मैसेज गया कि देखिए इंडिया डीहाइफिनेटेड पॉलिसी रखता है, यानी कि इसराइल और पैलेस्टीन के साथ सेपरेट रिलेशन रखता है। मोदी बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर टू एक्चुअली विजिट इसराइल। द वर्ल्ड देन वॉज दैट इंडिया इज प्रूविंग कि हम डीहाइफिनेटेड पॉलिसी रख रहे हैं। अब अभी स्टेटस क्या है, तो देखिए 83% जो है दुनिया के जो देश हैं वो मानते हैं कि इसराइल जो है एक नेशन है, और साथ में सिंपैथेटिक भी हैं पैलेस्टीनियंस के लिए, क्योंकि मोर देन 1 लाख पैलेस्टीनियंस हैव लेफ्ट देयर होम एंड दे आर लिविंग इन डिस्पेकेबल सिचुएशन, ह्यूमन राइट इश्यूज हैं, तो उसके प्रति भी सिंपैथी है। अगर ये रीजन अनस्टेबल रहता है, टेररिस्ट का हब बनता है, तो किसी के लिए भी अच्छा नहीं है, राइट? किसी के लिए भी मतलब इंडिया के लिए, राइट? इंडिया के लिए, क्योंकि हमें अपनी अलाइनमेंट इस रीजन में रखनी है, राइट? जिसके लिए अच्छा है वो मैंने आपको इंडिकेशन दिया था, राइट? अब देखिए मैंने आपको कहा, यहां से क्वेश्चन आ जाते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज साउथ वेस्ट एशिया डज नॉट ओपन टू मेडिटेरियन, तो इस रीजन से क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे सीरिया इज द वन जो मेडिटेरियन सी में ओपन नहीं हो रहा, विच वन ऑफ, क्योंकि सीरिया कहां है, सीरिया लैंडलॉक्ड है ना, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेंबर ऑफ गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, अनदर फैक्चुअल क्वेश्चन, ईरान, ठीक है? तो आई होप ये इशू आपको समझ में आ गया होगा। अगर अच्छा लगा और आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स के पास और आपके जानने वालों के पास भी ये इन्फॉर्मेशन जानी चाहिए, यू कैन शेयर दैट। दिस पीडीएफ विल बी अवेलेबल इन द शशांक त्यागी फॉर यू टेलीग्राम ग्रुप। इफ यू हैव एनी डाउट व्हाट्स एवर, यू कैन शूट मी अ मैसेज ऑन माई पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल शशांक.powerbeing। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। सी यू।